जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी प्लस जितने भी पुराने अभ्यर्थी हैं, अब आप लोग एक साथ हो जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं CSBC जो है वो किसी भी एग्ज़ाम का आंसर की जारी नहीं करता है। बाकी आप अदर स्टेट का ले लीजिए, वहाँ पर हर एक एग्ज़ाम का आंसर की प्रॉपर तरीके से जारी किया जाता है, और अब से CSBC को भी आंसर की जारी करना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी को एकजुट होना होगा। आप सभी जानते हैं किस तारीख जो है स्टडी मोड के जो अमित सर जी है CSBC के पीछे लगा हुआ है, तो आप लोगों का फर्ज कर्तव्य दोनों बनता है कि आप लोग सर को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कल 21 तारीख को ट्विटर कैंपेन होने वाला है, तो आप सभी को उस पर क्या करना है, रीट्वीट करना है। इसलिए जितने भी नए अभ्यर्थी हैं और पुराने अभ्यर्थी हैं, सभी को एक साथ होना होगा, क्योंकि अगर आप अभी साथ नहीं देते हैं तो देखिए, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं, आपका भी कभी ना कभी एग्जाम होगा, तो आप उस समय पछताएंगे। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। स्टडी मोड के जो अमित सर जी है वो CSBC के पीछे जी जान से लगा हुआ है, तो हम सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी जो CSBC का है वो मनमानी नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। कल ट्विटर कैंपेन होने वाला है, सभी को रीट्वीट करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि भारत आने वाले इन चारों ऑप्शन में से पहला विदेशी यात्री कौन था। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज, बी ऑप्शन। जो भी बच्चे बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज की बात करें तो ये किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। इनकी एक पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक है। और मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को कहा था पोलीब्रोथा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहकर किसने पुकारा था, तो याद रखना है मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। ह्वेनसांग की बात करें तो ये किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। और फाययान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इतने सारे फैक्ट है, सभी को आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज कौन था, तो आप सभी जानते हैं सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको क्या करना है, केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को रोक लीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं उसको लिखते चलिए, और ये प्रैक्टिस अभी से आप लोग कीजिए, ठीक है। तो देखिए, गुप्त काल की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त ने किया था। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रुपयका। क्या हो जाएगा? रुपयका हो जाएगा। तो गुप्त काल के दौरान रुपयका सिक्का जो है चांदी में जारी किया गया था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जवाब है। कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था। चलिए बताइए फटाफट से। तो कृष्णदेव राय की बात करें तो इसके समकालीन कौन था, यहाँ पर बाबर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाबर। और अभी हमने आपसे पूछा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी बच्चे यहाँ पर क्या बता रहे, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाबर, जिन्होंने 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया था। सिरसा सूरी की बात करें तो इसका मकबरा पूछा जाता है, इस बार एग्जाम में पूछा गया था, तो बिहार के सासाराम में सिरसा सूरी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। साथियों, इससे पहले टोटल 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और पांचों प्रैक्टिस सेट का PDF जो है आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है,
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2003 से मनाया जा रहा है। कब से? 2003 से मनाया जा रहा है। और 2015 में जो भारतीय प्रवासी दिवस है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, ये 2015 से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2015 से भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। अगर 2024 में 9 जनवरी को मनाया गया है तो आपका मनाएगा फिर 25 में नहीं 26 में, तो इस बात को भी ध्यान रखें। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन, यह वक्तव्य किसका है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसमें इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो डेट लिख लीजिए, पूछा जाता है 22 जनवरी 1947 को। फिर से रिपीट कर लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया था संविधान सभा में, उसको संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था? तो 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या बन सकता है? आपसे पूछ सकता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो कि स्टैटिक जीके का ये टॉपिक है। तो भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं आपको क्रम से उसको याद कर लेना है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तीसरे कौन थे? चौथे कौन थे? ये आपको याद करना है। और कैसे याद करना है? अगर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो एप्लीकेशन पर जाइए, ठीक है, वहाँ पर बिहार पुलिस का कोर्स होगा। जब उसमें आप लोग एंटर करेंगे तो प्रॉपर एक सेक्शन बना हुआ है केवल ट्रिक, ठीक है, केवल ट्रिक का सेक्शन बना हुआ है, उसमें केवल ट्रिक आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। टैगा का अर्थ क्या है बताइए? तो साथियों, टैगा का अर्थ कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शंकु वृक्षी वन को टैगा बोला जाता है। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताइए, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्लूर को। किसे कहा जाता है? नेल्लूर को भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अल्पाइन घास स्थल। क्या है? अल्पाइन घास स्थल। अब देखिए, हिमालय की बात करें तो हिमालय को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा बांटा जाता है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। और हिमालय को पश्चिम से पूर्व भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से आपका पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका पंजाब हिमालय आता है, दूसरा कुमाऊं आता है, तीसरा नेपाल आता है, चौथा असम हिमालय आता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है। कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा आता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा आता है? सबसे नीचे शिवालिक आता है। क्या आता है? शिवालिक, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? चलिए बताइए, फटाफट से बताइए, इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना। और गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में होता है।
तो देखिए ट्रांस हिमालय के बाद हमने पूछा था, तो सबसे ऊपर आपका उत्तर में ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे वृहद हिमालय है, उसके नीचे मध्य हिमालय है, और सबसे लास्ट में क्या है, शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, और सबसे नीचे शिवालिक जो है ये सबसे नवीनतम भाग है। क्या है? सबसे नवीनतम भाग है, ध्यान रखिएगा, जिसको सबसे युवा भाग भी बोला जाता है हिमालय का, शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय कहते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन है 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था, ठीक है। फरवरी 1922 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। 1923 में क्या हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, आप सभी जानते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। जो भी डेट बताते हैं याद करते चलिए, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं, चलिए बताइए। तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना में तीन प्रकार की न्याय की बात की गई है। आपने मिडिल स्कूल में पढ़ा होगा जो प्रस्तावना कराया जाता है, बाकी हर एक बुक के आपको सामने मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पेज पर। तो तीन प्रकार की न्याय है, कौन से? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, और राजनीतिक न्याय है। अच्छा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार की न्याय है प्रस्तावना में, इस बात को याद रखिए, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में DPSP है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, भाग 1 में क्या है, संघ राज्य और उसका क्षेत्र है। नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? आंसर है संसद। कौन लेता है? संसद लेता है। नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है, संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है। भारत में नागरिकता को किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया है नागरिकता को। अच्छा, ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली नहीं, संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है, प्लस द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है यह भी ब्रिटेन से लिया गया है, एकल न्यायिक व्यवस्था भी लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, चलिए बताइए। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। साथियों, राष्ट्रपति के पद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? 52 में बताया गया है। अच्छा, आपको एक ट्रिपलेट बताते हैं, याद कर लीजिए आर्टिकल का। यहाँ पे लिखिए 52, यहाँ पे लिखिए 63 और यहाँ पे लिखिए 74। तो 52 में 11 जोड़ेंगे तो 63 होगा, 63 में 11 जोड़ेंगे तो 74 होगा। तो आपको याद रखना है 52 63 74। 52 में राष्ट्रपति का पद है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, 74 में प्रधानमंत्री का पद है, और 153 में राज्यपाल का पद है। तो जो भी हम आपको आर्टिकल बताएंगे डेली, ठीक है, आपको याद करते चलना है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिड़ला है और 18वीं लोकसभा वर्तमान में चल रहा है। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? चलिए, तो पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता समिति है, जिसका गठन 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। इसने 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज की बात करें तो इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, ये दिया गया था, याद रखिए, कौन से संविधान संशोधन से? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, और लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को। अधिनियम पूछे तो
1992 का अधिनियम है और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। कितना विषय दिया गया है? 29 विषय दिया गया है। और पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक है, आर्टिकल 243 ओ तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख पूछे किसमें, तो आर्टिकल 243 आई में है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। ठीक है, आर्थिक किराए का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, आर्थिक किराए का अर्थ क्या होता है? तो भूमि के उपयोग के बदले किया गया खर्च यानी कि धन, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज करने में अगर आपको कोई समस्या आती है तो नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है जो भी प्रॉब्लम हो। तो साथियों, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लॉर्क ने। किसने किया था? क्लॉर्क ने। किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बड़ा ही पूछा जाता है, तो 1951 से लेकर 56 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, और ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराड डॉमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा चला था 1956 से लेकर 1961 तक, और ये था आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर, और पीसी महालनोबिस की जयंती पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगर पूछे कि इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। कब? तो 1971 में। जो भी बताते जा रहे हैं आप लोग लिखते चलिए। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 तक है, आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 21 ए जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, इसके तहत संविधान में आर्टिकल 21 ए को जोड़ा गया था जो कि शिक्षा से संबंधित है, और 2002 में जोड़ा गया था। इसके तहत बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमारे मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। कौन कौन सा है एक बार रिपीट कर देते हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहले समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है, समानता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर 25 से लेकर 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में क्या है? तो 29-30 में है आपका सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। और आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा बताया था आर्टिकल 32 को। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये है गार्डनर। गार्डनर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, बाकी ये सभी जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। भारत को पहला नोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सीवी रमन को। किसे किया गया था? सीवी रमन को 1954 में, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन, 1954 में भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में दिया गया था भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर है?
ये तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? अतः अगर आपसे पूछे कि इसरो की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। ठीक है, तो महावीर का जन्म हुआ था ज्ञात्रिक कुल में। किस में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ये है ऐहोल शिलालेख। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऐहोल शिलालेख। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, कौन था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। पहला वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें, यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो आप सभी जानते हैं सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना, फिर सिपाही विद्रोह, यानी 3 2 1। डी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 2 1। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए। पहले 2 होगा, वास्को डी गामा 1498 में आया था, 1498 में। तो सबसे पहले आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 1 होगा, यानी 231। तो देखिए सी ऑप्शन में 231 है। निम्नलिखित में से कौन 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य था? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद। अब देखिए, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1928 में, और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में होती है। अगर सोशलिस्ट को हटा दे तो बचेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना 1924, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछे तो 1928। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये आपका अरावली पर है। कहाँ पर है? अरावली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है और यह सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा गुंजन पक्षी। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? यहाँ पर देखिए, पथरी की बात नहीं की जा रही है, स्टोन कैंसर। इसका अच्छा उदाहरण देखने को आपको मिलेगा जो ताजमहल है आगरा का, वहाँ पर। और ये इसका कारण है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो ये अम्ल वर्षा जो है, ये आपका NO2 और SO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा। वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? चलिए बताइए। अच्छा, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, जिसको पता है बताइए अम्ल वर्षा का पीएच मान। तो वायरस जो है ये बना होता है प्रोटीन और किसका, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में आपका डीएनए और आरएनए दोनों हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, इसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है और प्लस प्रोटीन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। लिख लीजिए आप लोग, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एड्स को किस रूप में लिखा जाता है? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रम। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष
एक दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। और एड्स जो है वायरस जनित रोग है, एचआईवी वायरस से होता है और इसकी पहचान 1981 में हुआ था। कब? 1981 में। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये किया गया था मिलर के द्वारा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है, जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को बोला जाता है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वर्गीकी का पिता पूछे तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? जीव द्रव्य को। चलिए कोशिका भित्ति की बात करें, ये पादप कोशिका में होता है और ये जंतु कोशिका में नहीं होता। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है। सूत्रकणिका क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है सूत्रकणिका, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा कसकुटा। मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो मिनी माता रोग ये पारा के प्रदूषण से होता है। और एक होता है इटाई इटाई रोग जो कि कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ब्रायोफेलम में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो ये पत्ता के माध्यम से होता है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो कौन से द्रव का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होगा? तो जिसका क्वथनांक कम होगा, और अल्कोहल का यहाँ पर क्वथनांक कम है, इसलिए इसका क्या होगा, इसका वाष्पीकरण जो है अधिक तीव्रता से होगा। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो क्या प्रयोग होगा? तो देखिए इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करता है, तो आप सभी जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आंसर के साथ में। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको नीचे मिलेगा।